मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। मुजफ्फरनगर में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बोले, देश में मुस्लिम टारगेट पर हिंसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। अलीगढ़ में पुलिस ने बुलडोजर के साथ किया फ्लैग मार्च, दौड़ते रहे अफसर नहीं मिले दिल्ली जाने वाले युवा। प्रयागराज संगम तीरे डिप्टी सीएम का शोभा योगाभ्यास, गंगा यमुना और सरस्वती की बहती धारा के बीच शहरियों ने किया योग। मेरठ में गोद में सोती रही बेटी मां की गोली मारकर हत्या, फिर चादर से ढककर हत्यारा फरार। आजमगढ़ जिले में भी रही योग दिवस की धूम, प्रभारी मंत्री गिरीश यादव बोले, योग हमारी परंपरा। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट के निर्माण में देरी पर गिरी गाज, दो महाप्रबंधक और परियोजना प्रबंधक सस्पेंड। विश्व योग दिवस पर सहारनपुर में बोली मंत्री बेबी रानी मौर्य, कोरोना काल में रोज किया योग प्रैक्टिस, छूटने से कम किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मथुरा में पतंजलि योग पीठ के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम, वृंदावन में पूर्व ऊर्जा मंत्री ने किया योग। कानपुर देहात में योग दिवस पर मंत्री गुलाब देवी पहुंची, योग से दिए फिटनेस के टिप्स। बरेली में ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कार सवार सभी मृतक उत्तराखंड के लिए रहने वाले। आगरा में 2 समुदाय भिड़े मारपीट, पथराव में 8 घायल, एसएसपी ने कहा पूरा मोहल्ला पाबंद करेंगे। फिरोजाबाद में मिलना जमा करने पर काटी पूरे गांव की बिजली खोरियां, मुयासतपुर गांव का मामला। बिजनौर में विश्व योग दिवस पर पहुंचे कमिश्नर बोले, रोजाना योग करने से फिट रहती है बॉडी। अमरोहा में सट्टे में पैसा हारने पर युवक ने लगाई फांसी, सट्टे की आदत के कारण पिता ने डांटा था। आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा, 3 की मौत 3 घायल, शादी की सालगिरह की चल रही थी पार्टी। गौतमबुद्ध नगर में 2000 लोगों के साथ नड्डा ने किया योग, जेपी नड्डा बोले, योग करने वाले व्यक्ति हमेशा निरोग रहते हैं। बाराबंकी में घर के दरवाजे पर पहुंचा मगरमच्छ, 3 घंटे बाद पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ा। रायबरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट, सुबह 7 बजे से पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर शुरू की जांच, संदिग्धों से पूछताछ। बलिया में अफसर से लेकर कैदियों तक ने किया योग, कमिश्नर बोले नियमित योग करने वाला बीमारी नहीं हो सकता। कानपुर में पुलिस पर फायरिंग करने वाला दंपति अरेस्ट, बेटे बहू ने ससुर से जान को बताया खतरा। आगरा में बारात में दूल्हे के पिता से लूट, बाइक पर आए बदमाश झपटा मारकर लूट लिया बैग। मेरठ में धू धू कर जला मकान, कई साल से बंद पड़े मकान में लगी भीषण आग। हमीरपुर में योग कार्यक्रम में दिखा उत्साह, सदर विधायक बोले योग से दुनिया में बनी पहचान। इटावा में खनन अधिकारी को जान से मारने की धमकी, फोन करने वाला बोला हम तो मरेंगे ही, पहले तुम्हें मार देंगे। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत, अरहर की दाल रोटी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे ऑर्डर करने वाले जज का ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने 121 सिविल जजों का किया तबादला। सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके सरकार को घेरा, बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन है सबका अधिकार। लखनऊ में सीएम योगी और राज्यपाल ने किया योग, वाराणसी के गंगा घाट और अयोध्या में दिखा गजब का उत्साह।
मिर्जापुर में युवक के पैर पर पहले मारी कुल्हाड़ी फिर मार दी गोली, 6 माह से परिवार पर हुआ 3 बार हमला। बरेली में नैनीताल हाईवे पर हादसा, कार सवार 5 युवकों की मौत, अहलादपुर क्षेत्र के लालपुर गांव के पास का हादसा। अग्निपथ योजना विवाद पर पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का बयान, बोले अब कहां गया मुसलमानों पर चलने वाला बुलडोजर। वाराणसी के काशी में जल योग, नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा में किया योगाभ्यास, जल संरक्षण लिए की अपील। वृंदावन पहुंचे नवीन जिंदल, बांके बिहारी के किए दर्शन, बोले देश और दुनिया में मिल रही जान से मारने की धमकी। मुरादाबाद में सपा नेता यूसुफ मलिक की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने दिए संपत्ति कुर्क करने के आदेश। रामपुर में योगी का आजम पर तंज, बोले जो जेल में थे उनको भी कोरोना का फ्री इलाज मिला। संभल में मंत्री अनूप प्रधान ने किया योग, संजीवनी वाटिका में डीएम समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद, महिलाओं और बच्चों ने किया योग। कानपुर में सिख दंगे के 2 और आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी ने घाटमपुर में छापेमारी कर की गिरफ्तारी। मऊ में पेट्रोल पंप पर हमला, मुंह में कपड़ा बांध कर आए 12 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को पहले लाठी से पीटा। फर्रुखाबाद में बढ़ाई गई रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा, अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने किया था पथराव। कौशाम्बी में शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई का मास्टर प्लान तैयार, अफसर बोले जमीन मुक्त होगी कब्जेदारों को भी हो। रामपुर में आजम खान ने भाजपा सरकार पर बोला करारा हमला, बर्बाद हो जाएंगे हमें तकलीफ देने वाले, चोर बताने वाले। शाहजहांपुर में मनाया गया योग दिवस, 2 दिन से की जा रही थी तैयारियां, डीएमएसपी समेत संस्थाओं ने लिया हिस्सा। अग्निपथ योजना पर लाल हुए अखिलेश, कहा बीजेपी उन समर्थकों की सूची जारी करे जो अपने बच्चों को अग्निपथ योजना में भेज रहे हैं। लखीमपुर खीरी में धौरहरा में पिकअप ने 7 साल के बच्चे को रौंदा, हादसे में बच्चे की मौत, पापा के साथ मामा के घर जा रहा था बच्चा। कन्नौज में थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई, पैसों की विवाद में चौकी इंचार्ज पर मारपीट का आरोप, कार्रवाई की मांग की। आगरा में नाबालिग से बलात्कार, बहला फुसलाकर खंडर में ले जाकर युवक, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। सोनभद्र में करो योग, रहो निरोग की ली गई शपथ, योग गुरु ने गोमूत्र, गिलोय और आंवला को बताया धरा का अमृत। गाजियाबाद में सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, झाड़ियों में मिली लाश, जीआरपी में ड्यूटी करके 24 घंटे से लापता था सिपाही। शामली में मंत्री रजनी तिवारी ने किया योग, कहा अग्निपथ योजना युवाओं के अच्छे भविष्य की नींव। प्रयागराज में हिंसा का मुख्य आरोपी पहुंचा कानपुर जेल, हाई सिक्योरिटी बैरक, अब इमाम अली अहमद का नया ठिकाना। सीतापुर में सड़क हादसे में 2 की मौत, महिला पुरुष को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, नहीं हुई दोनों की शिनाख्त। गाजीपुर में मदरसे में हुआ योगाभ्यास, 1 घंटे तक किया गया योग, गांव में भी लोगों ने किया हिस्सा, बुजुर्ग भी हुए शामिल। अमरोहा में पुलिस की धक्का परेड, गाड़ी गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों की गाड़ी, रास्ते में बंद लोगों ने लगवाया झटका। फिरोजाबाद में माता पिता और बेटी आग से झुलसे, खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, गैस लीकेज बना कारण। एटा में जेल में कैदियों ने किया योग, अर्थ चक्रासन भद्रासन वज्रासन को कैदियों को सिखाया गया ध्यान और प्राणायाम भी। प्रतापगढ़ में योग शिविर में दिखा उत्साह, अनुलोमन विलोम और प्राणायाम की सिखाया, डीएम और एसपी रहे मौजूद, ड्रोन से की गई निगरानी। चित्रकूट में 80 जगह लोगों ने किया योग, योग दिवस में शामिल हुए पीडब्ल्यूजी राज्य मंत्री, चित्रकूट इंटर कॉलेज में किया योग। पीलीभीत में मुस्लिम धर्मगुरु पर अभद्र टिप्पणी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पहले भी कर चुका है कमेंट। सड़क किनारे ब्रेड मक्खन खाते देखे विधानसभा अध्यक्ष, ग्रीन पार्क में 4,000 लोगों के साथ किया योग।
नौ में रेलवे ट्रैक के पास अचेत अवस्था में मिली युवती, पुलिस ने अस्पताल में कराए भर्ती, आधार कार्ड से हुई पहचान। बाराबंकी में मदरसे में योग, मदरसा बोर्ड के आदेश के बाद मदरसों में हुआ योग का आयोजन, छात्रों ने भी लिया हिस्सा। बागपत में योग दिवस के मौके पर बोले सांसद सत्यपाल सिंह, जो काम सैकड़ों सालों से ऋषि मुनि नहीं कर पाए वह पीएम मोदी ने किया। संत कबीर नगर में योग शिविर में दिखा उत्साह, डीएम और एसपी ने किया योग, महिला और बच्चों को प्राणायाम का महत्व बताया। बुलंदशहर में जल शक्ति मंत्री दिनेश खट्टिक ने किया योग, दिनेश खट्टिक बोले योग से शरीर के साथ मन भी स्वस्थ रहता है। लखनऊ में 70 साल के डॉक्टर को युवती से हुई मोहब्बत, इश्कबाजी में 2 करोड़ का चूना लगा गई महबूबा। देवरिया में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अलग अलग जगहों पर लाखों लोगों ने किया प्रतिभाग। सीएम योगी ने पूरा किया वादा, लखनऊ से गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंची सफेद बाघिन गीता। औरैया के फफूंद में सड़क दुर्घटना, युवक की मौत, शादी समारोह में शामिल होने आया था ससुराल। गोंडा में विश्व योग दिवस पर उत्साहित दिखे लोग, डीएम और एसपी ने योगासन से दी फिटनेस की सीख। मैनपुरी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में दोषी अफसरों पर प्रशासन मेहरबान, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। कानपुर के बिकरू में अब भी विकास दुबे का खौफ, 3 ग्राम प्रधान इस्तीफा लेकर डीएम के पास पहुंचे, बोले लेखपाल भांजा काम नहीं करने दे रहा। रामपुर में अखिलेश की तरह हम आजम खां को जेल में नहीं दे सकते थे सुविधाएं, योगी के मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रजापति ने सुनाई खरी खोटी। गोरखपुर के चोर हुए हाईटेक, चला रहे पुलिस पर गोली, चोरी के साथ ही कर रहे गांजा तस्करी और जहर खुरानी। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में 3 ठग गिरफ्तार, फर्जी पुलिस बनकर युवक को पहले बनाए बंधक, फिर था लूटा। फतेहपुर में 2 लाख लोगों ने किया योग, दिया फिट रहने का संदेश, प्रमुख सचिव बोले स्वस्थ रहने के लिए जरूरी करें योग। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।